नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी आज मृत्यु हो गई। उनका बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में इलाज चल रहा था। सेना के उस हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मृत्यु पहले ही हो गई थी। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। इसने ट्वीट कर कहा कि भारतीय वायुसेना को बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए गहरा दुख है। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आई चोटों के कारण उनकी आज सुबह मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को चित्रकूट में आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में कहा कि संघ लोगों को जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भय ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प भी दिलाया। बता दें, संघ प्रमुख बीते कई सालों से कई बार जोड़ने और एकजुटता वाली बातें कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनकी इन बातों का कोई असर आखिर हिंदू संगठनों पर क्यों नहीं हो रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में गए लोगों की घर वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को शपथ दिलाई कि वो उन लोगों की घर वापसी के लिए काम करें जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं। भागवत ने शपथ दिलाई कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने देंगे। जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा, उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। कर्नाटक के मैसूर जिले के एक गांव में सोमवार को एक 29 वर्षीय दलित युवक को सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने के लिए कथित तौर पर पीटा गया। जहां ये घटना हुई है वहां लिंगायत समुदाय प्रमुख है। पुलिस ने कहा कि इस घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित की पहचान महेश के रूप में हुई है, जो अनुसूचित जाति आदि कर्नाटक का रहने वाला है। गांव के रहने वाले महेश को लिंगायत समुदाय के लोगों के एक समूह ने उस समय रोका और मारपीट की जब वो अपने दोस्त के साथ शिव मंदिर के पास सार्वजनिक सड़क पर बाइक से जा रहा था। महेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 4 या 5 साल पहले मंदिर के निर्माण के बाद से परेशानी शुरू हुई। गांव में लिंगायत और आदि कर्नाटक समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से एक महादेव मंदिर बनाया गया था, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद लिंगायत समुदाय के नेताओं ने हमें बताया कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जब इस पर सवाल किया गया तो समुदाय के बीच मारपीट हुई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जेल में बंद अपने बेटे पर एक सवाल से आज बौखला गए। उन्होंने पत्रकारों को गाली दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से कैमरा बंद कर भी कहा। एक पत्रकार द्वारा उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ SIT के नए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने चिल्लाते हुए कहा, ये बेवकूफ़ी भरे सवाल मत पूछो, दिमाग खराब है क्या बे। मिश्रा एक रिपोर्टर पर झपटते हुए और उनका माइक छीनते हुए भी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, माइक बंद करो बे। उनकी ये बौखलाहट तब आई जब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में उनके बेटे पर किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप है। इसकी जांच के लिए गठित SIT ने कहा है कि किसानों की हत्या सोची समझी साजिश है। इसके बाद से संसद में अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए लगातार हंगामा हो रहा है। एक बेहद अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों यानी OBC को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना रद्द कर दी है। अदालत ने इसका कारण बताते हुए कहा, यह आरक्षण बगैर किसी सर्वे और आंकड़े के ही दिया गया था। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि राज्य चुनाव आयोग तुरंत एक अधिसूचना जारी करे कि OBC आरक्षण सीटों को सामान्य सीट माना जाएगा। अदालत ने इसके साथ ही अपने 6 दिसंबर के आदेश में किसी तरह की तब्दीली से इनकार करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। उन्हें क्रूज ड्रग्स मामले में अब हर शुक्रवार को NCB के दफ्तर नहीं आना होगा। आर्यन को ये राहत बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है। आर्यन को जमानत देते वक्त ये शर्त लगाई गई थी कि उन्हें हर शुक्रवार को NCB के दफ्तर में पेश होना होगा। वो कई बार वहां गए भी थे। हालांकि अदालत ने कहा है कि जब भी इस मामले की जांच कर रही टीम बुलाएगी, आर्यन को दिल्ली जाकर उसके सामने पेश होना होगा। आर्यन को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े नाम और स्टार स्पिनर हरभजन सिंह के साथ आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।
सिद्धू ने हरभजन के साथ फोटो को साझा करते हुए लिखा है कि भारत के स्टार भज्जी के साथ संभावनाओं से भरी हुई तस्वीर। इसके बाद से हरभजन के भी कांग्रेस में आने की संभावनाएं लगाई जाने लगी हैं। इससे पहले हाल ही में कांग्रेस में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी शामिल हुए थे। विराट कोहली ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के दावे का खंडन किया है और कहा है कि टी20 कप्तानी नहीं छोड़ने के संबंध में उनसे कोई बातचीत नहीं की गई थी। कोहली ने कहा है, मुझे टी20 कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कभी भी नहीं कहा गया था, जबकि 6 दिन पहले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा था कि उन्होंने विराट कोहली को भारत के टी20 कप्तान के रूप में पद नहीं छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन कोहली नहीं माने और पद छोड़ने का फैसला किया। नतीजतन प्रशासकों को उन्हें ODI कप्तान के रूप में हटाना पड़ा, क्योंकि चयनकर्ता छोटे प्रारूपों में एक व्यक्ति को ही कप्तान के रूप में चाहते थे। भारतीय क्रिकेट में दो धुरंधरों के बीच आ रही अनबन की खबरों के बीच अब विराट कोहली ने इस पर सफाई दी है। कोहली ने साफ किया कि वो 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि उन्होंने दौरे के लिए आराम मांगा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ब्रेक नहीं मांगा था। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टीम इंडिया के आगामी दक्षिण अफ्रीकी दौरे से पहले मीडिया को संबोधित किया। कोहली ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट सीरीज टीम की घोषणा से 1.5 घंटे पहले ही उन्हें पता चला कि उनको ODI कप्तान नहीं रखा गया है और रोहित शर्मा को एक दिवसीय कप्तान के रूप में चुना गया है। कोहली ने संवाददाताओं से कहा कि टेस्ट के लिए चयन से 1.5 घंटे पहले मुझसे संपर्क किया गया था। मुख्य चयनकर्ता ने मेरे साथ टेस्ट पर चर्चा की। कॉल समाप्त होने से पहले मुझे बताया गया कि 5 चयनकर्ताओं ने फैसला किया है कि मैं अब ODI कप्तान नहीं रहूंगा। वहां इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। एक सवाल के जवाब में विराट कोहली ने कहा कि उनका रोहित शर्मा के साथ कोई मसला नहीं है और इस बात को लेकर वो 2 साल से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को मिस करेंगे, तो इसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया, लेकिन साथ ही युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की बात भी कही। बीते कुछ दिनों से चल रही इस तरह की खबरों पर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अनबन चल रही है, इसी पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया। ठाकुर ने बुधवार को कहा कि खेल सबसे बड़ा है और कोई भी खेल से बड़ा नहीं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि किस खेल में कौन से खिलाड़ियों के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि ये काम संबंधित खेल फेडरेशनों और एसोसिएशनों का है और ये अच्छा होगा कि वो ही इस बारे में कोई जानकारी दें। WHO ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बात की संभावना है कि ये दुनिया के अधिकतर देशों में हो सकता है। WHO ने मंगलवार को कहा है कि इससे पहले किसी भी वेरिएंट को इस रफ्तार से फैलते हुए नहीं देखा गया। WHO का यह कहना सही भी है, क्योंकि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला मामला मिलने के कुछ ही दिनों में यह वायरस बहुत तेजी से कई देशों तक पहुंच गया है, बावजूद इसके कि इन देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों को रोक दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।